A very good morning, children. Today in English literature, we will do page number 53. So, children, open your book, page number 53, and try to understand and do the exercise. Deepu is going to the market to sell the things he has grown in his farm. वो अपना farm में कोई कोई चीज उगाया है, मतलब अपना खेत में. उसको बेचने जा रहा है. हेल्प हिम टू शॉर्ट डाउन फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटू टू डिफरेंट बास्केट. तो उसके पास दो बास्केट है, एक में फ्रूट डालना है फल और एक में वेजिटेबल सब्जी. राइट एफ फॉर फ्रूट. फ्रूट के लिए एफ लिखना है और वेजिटेबल के लिए वी लिखना है, क्योंकि वेजिटेबल वी से स्टार्ट होता है और फ्रूट एफ से स्टार्ट होता है. सो एप्पल क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल है? फ्रूट है तो एफ. बनाना फ्रूट. ब्रिंजल वेजिटेबल. कैरोट वेजिटेबल. ग्रेप्स फ्रूट. जैक फ्रूट फ्रूट. मैंगो फ्रूट. ऑनियन वेजिटेबल. पपाया फ्रूट. पेयर फ्रूट. पोटैटो वेजिटेबल. रेडिश वेजिटेबल. स्पिनैच वेजिटेबल. टोमेटो वेजिटेबल. Look at the clues and name the places. Write their names. तो यहाँ पर देखो फोटो दिया हुआ है, ये क्लू पढ़ के क्या फोटो है उसका नाम लिखना है. A doctor works in the, डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? Hospital. We keep our money in the bank. You must catch the flight at the airport. We can buy food item and household things from a store. Turn your page. Page number 54. Fill in the blanks with the correct describing words. देखो यहाँ कुछ कुछ describing words दिया है. यहाँ से correct word choose करके हम लोग को blanks में लिखना है. I like to eat. क्या होगा? Dark, juicy, short, tall, tasty. क्या होगा? आई लाइक टू ईट जूसी ऑरेंजेस. अगर तुम लोग टेस्टी भी लिखा तो भी रॉन्ग नहीं होगा. आई लाइक टू ईट जूसी. ऑरेंज होता है जूसी. ये टेस्टी हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि टेस्टी किसी और ब्लैंक्स के लिए है. आई लाइक टू ईट जूसी ऑरेंजेस. दैट टॉल गर्ल इज माई सिस्टर. This is a very soft pillow. Pillow क्या होता है? Soft soft होता है कि नहीं? My brother bakes tasty cake. देखो ये tasty हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, उसीलिए oranges में नहीं लिखे. But oranges भी तो tasty होता है कि नहीं? My brother bakes tasty cake. There are dark clouds in the sky. So यहाँ से correct choose करके यहाँ लिखे हैं. Rewrite the sentence using capital letters and full stops. देखो जब भी start करते हैं हम लोग capital letters से start करना है और full stop से end करना है. और जब भी start करेंगे तो capital letters, देखो ये I क्या है? Capital हो गया. यहाँ small में दिया है तो capital से ही start करना है. I live in Delhi और full stop दिए. और Delhi का हमें कैपिटल डी लिखे क्योंकि ये स्पेशल नेमिंग वर्ड है. स्पेशल नेमिंग वर्ड तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़े हो, हाँ कि ना? माई फ्रेंड इज स्मार्ट. देखो ये किसी का नाम है और स्टार्टिंग लेटर है तो एस कैपिटल है. शीला इज माई क्लासमेट. मिस्टर दास ड्राइव्स अ रेड कार. बनाना इज येलो एंड ग्रीन इन कलर. इसको बुक में ही करना है. ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन.